हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड पर्सनालिटी सीरीज में आज हम जानेंगे डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू झारखंड के नागपुरी साहित्य संस्कृति के एक हस्ताक्षर रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि उनके जीवन परिचय को, तो आइए शुरू करते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद, नागपुरी साहित्यकार और संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू का जन्म 5 दिसंबर 1949 को खूंटी के बेलवादाग गांव में सदान संपन्न किसान परिवार में हुआ था। वे झारखंड में कला संस्कृति के चलते फिलते संस्थान माने जाते थे। दर्जनों पुस्तकों के रचयिता, अनेकों पुस्तकों के प्रेरणा स्वरूप और नागपुरी साहित्य संस्कृति के हस्ताक्षर और एक अद्भुत व्यक्तित्व का निधन 15 अप्रैल 2021 को हो गया। दोस्तों आप जानते हैं उनके एजुकेशन और कैरियर के बारे में। 1966 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर एमए हिंदी में की। इसके बाद बीएड, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री भी डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू ने हासिल किया था। उन्होंने प्रथम सेवा 1973 में हिंदी भूगोल शिक्षक के रूप में हाई स्कूल लचारगढ़ सिमडेगा में दी थी। स्कूल के बाद 1975 में प्राध्यापक के तौर पर उनका जीवन परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर गुमला से प्रारंभ हुई। उन्होंने 1975 से 78 तक प्राध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य किया और 1978 से 1982 तक गोजनर कॉलेज रांची, रांची कॉलेज रांची और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में भी अध्यापन कार्य किया है। 14 अक्टूबर 2009 से 15 नवंबर 2011 तक वे रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में विभागाध्यक्ष रहे थे। दोस्तों आप जानते हैं उनके उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों नागपुरी भाषा उनका खास विषय था। नागपुरी बोली को भाषा के रूप में स्थापित कराने और उसके साहित्य पर शोध तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों में झारखंडी संस्कृति का पक्ष रखने के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू ने दर्जनों पुस्तकें लिखकर नागपुरी साहित्य को समृद्ध किया था। उन्होंने अनेकों शोध किया और जिससे संबंधित कार्य उनके कई जगह पर प्रकाशित हुए हैं। सैकड़ों लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपते रहे हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उनके प्रकाशित कृतियों के बारे में। पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व इनके प्रमुख कृतियों में शामिल है। इसके अलावा झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा समीक्षा, महाबली राधेकर बलिदान, नागपुरी के प्राचीन कवि अंगना, नागपुरी लोक कथा संग्रह, मातृभाषा की भूमिका, झारखंड के लोक संगीत, झारखंड के वाद्य यंत्र, झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के पारंपरिक कलाएं, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, नागपुरी के प्राचीन कवि, नागपुरी लोक साहित्य गोछा जिसके वे संपादक रहे हैं, रुगड़ा खुकड़ी, सदानी नागपुरी सदरी व्याकरण, हिंदी नागपुरी शब्दकोश, ऋतु के रंग मांदर के संग, धांगर कहानी संग्रह, सारो कविता संग्रह जैसे अनेकों कृतियां उनके नाम रहा है। दोस्तों इसके अलावा उनकी कई महत्वपूर्ण अन्य कृतियां भी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों चलिए अब जानते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2002 में झारखंड रत्न प्रदान किया गया था, 2014 में घासीराम सम्मान, विशिष्ट साहित्य कर्मी सम्मान 1990 में उन्हें प्रदान किया गया था। इसके अलावा अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन बेंगलुरु द्वारा 2005 में साहित्य श्री उपाधि, नागपुरी भाषा परिषद रांची द्वारा प्रफुल्ल सम्मान 2016 में, इसके अलावा 2017 में अखड़ा सम्मान और पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा सांस्कृतिक सम्मान उनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कई सम्मान उन्हें प्रदान किया जाता रहा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।